नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज थोड़ा सुकून है और चेहरे पे आप खुशी भी देख रहे होंगे और आगे बताऊंगा, न्यूज बड़ी बताऊंगा आपको कि क्या हुआ है। लेकिन पहले आपको क्लियरिफिकेशन दे दूं कि बस आज भर और छोड़ दीजिए मेरे को, है ना। बहुत कम फ़ोन उठा पा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इस समय पर सुबह 8 बजे 9-10 बजे वीडियो डालना, फिर इसके बाद 10:30-11 बजे से आप लोगों के पूरे मैंने कमेंट उठा करके पूरा सब कुछ बना करके समझा करके पूरी कर लिया हूँ। अब मेरे को मंडे को जो है तो इन सब चीज़ों को एक एक चीज़ को बताना रह गया है, समझाना रह गया है बड़े अधिकारियों का। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करें और चाहे ना करें, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कमेंट करने के लिए, क्योंकि जितने भर कमेंट थे वो पर्याप्त सबूत हो गए हमारे लिए, पर्याप्त चीज़ें हो गई। और मैं बता दूं कि मेरे आईटीआई टॉक शो का मेन जो मकसद होता है ना, कि जो मुद्दे उठाते हैं उसमें सबूत की ज़रूरत होती है। देखिए, ऐसा कोई कुछ नहीं होता है कि ऐसा कुछ चीज़ें आपके मेल कर देने से कुछ हो गया या मेरे न्यूज़ दिखाने से हो गया या किसी को ट्वीट करने से कुछ हो गया। होता क्या है कि आपके लॉजिकल मेन चीज़ क्या है कि सबूत, अगर सबूत नहीं है तो फिर कुछ कोई चीज़ नहीं होती है। डीजीटी साहब कह देती है कि हमारा काम था परीक्षा करवा करके रिजल्ट निकालना, हम रिजल्ट निकाल दिए साहब। रिजल्ट चाहे फेयर निकला हो चाहे जैसा भी निकला हो, रिजल्ट मैंने निकाल दिया। 12 तारीख को निकाला, 13 को निकाला, 14 और 15-19 तक में हम अपडेट करके सारी चीज़ें निकाल दिया। डीजीटी अपनी जवाबदारी से मुक्त हो गई। रह गई अब समस्या, तो समस्या को लेकर के हर चीज़ अगर नहीं उठाई जाएगी, नहीं बताई जाएगी, तो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो काम है मैं बहुत ईमानदारी से किया हूँ। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मंडे मतलब आज से आप चाहें तो कमेंट करें और आप चाहें तो कमेंट ना करें, कोई अब दिक्कत की बात नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि आप कमेंट करिए या ना करिए आप कमेंट, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करिए। हाँ, आज सोमवार को मैं बहुत बिजी रहूँगा, चूँकि आज हमको जो टाइम मिला है कई अफसरों से जो टाइम लिए हैं उसको बताने के लिए, उसको वो करने के लिए, तो मैं फ़ोन किसी भी हालत में नहीं उठाऊँगा, चूँकि मैं इंगेज अपना फ़ोन नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या है कि कुछ हम RDT के जो इनके DGT के अधिकारी हैं जो बैठते हैं हर स्टेट में ना, तो 5-6 जगह में मैंने उनसे भी टाइम लिया है कि सर वहाँ प्रॉब्लम हो रही, जैसे बिहार की प्रॉब्लम आई है, UP की आई है, राजस्थान की आई है, उत्तराखंड की आई है, पंजाब की आई हुई है, गुजरात की है, उड़ीसा की है, तमिलनाडु की है, तेलंगाना की है और जम्मू कश्मीर की है। तो यहाँ कुछ मैंने अफसरों के जो है तो स्टेट डायरेक्टर के बाबुओं से या उनके अधिकारियों से, एग्जाम कंट्रोलरों से मैंने टाइम लिया है। तो देखिए क्या होता है कि 11 बजे से मैं अगर फ़ोन करूँगा और उनसे टाइम लूँगा, उनका फ़ोन आएगा तो मैं अपने फ़ोन को इंगेज नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए आज कोई हमको फ़ोन ना करिए आप लोग, कल मंगलवार से जिसको जो फ़ोन करना है वो फ़ोन करिएगा अपने टाइम पे, वही 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक, है ना, फिर मेरे को काम करने दीजिएगा। तो कल मेरी बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, अंतिम समय है कल सब चीज़ों का, जितना भर अभी मेहनत किया गया है ये 12 तारीख से लेकर के अभी तक जितने कमेंट किए गए हैं वो सारे सबूतों को बना लिया गया है, सारी चीज़ें कर ली गई है। कुछ रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, लड़कों ने भेजा है, कुछ सबूत भेजे हैं लड़कों ने, कुछ जो है तो लड़कों ने वो भेजा है, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा है पैसा लेते हुए, कुछ वो सबूत भेजा है कि ITI वाला पैसा ले रहा था, पास होने के लिए गारंटी हो रही थी, फीस के लिए हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, एडमिशन को लेकर के हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा डेटा है, इसलिए उस डेटा को काट छाट करके मैंने संडे को, जो आज रात को मैं 11:30 बजे शूटिंग कर रहा हूँ, तो उसके पहले मैं आज, आप चेहरे पे देख रहे होंगे कि बिल्कुल थकान है, खुशी भी है लेकिन थकान है कि आज पूरा काम आपका हो गया है। अब चलिए चलते हैं न्यूज की तरफ। देखिए एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको क्या बोला था कि आप आवाज़ उठाते हो चाहे हर एक चीज़ हो उसको क्लियरली होता है। सप्लीमेंट जो सेमेस्टर वाले हैं वो लड़के और एनुअल वाले लड़कों का डेटा DGT ने क्लियर कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। 25 तारीख को ही डेटा क्लियर हो गया। क्लियर का मतलब अब समझिएगा, अब उनको फिगर आ गया है कि हमको कितने लड़कों का एग्ज़ाम कराना है। उसमें जो दिक्कत हो रही थी ना, उसमें एक टेक्निकल दिक्कत थी, समझिएगा इस चीज़ को,
सेमेस्टर वाले और एनुअल वाले लड़के, कि कई लड़कों का ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ था, मतलब पोर्टल पे उनका नाम ही नहीं शो हो रहा था। वो वाली समस्या का समाधान हो चुका है, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लड़के फंसे थे जिनका एग्जाम नहीं हुआ था। ईडी प्रैक्टिकल में बहुत सारे लड़कों का अब्सेंट और जीरो जीरो वाला मसला था, उसको वो डेटा ठीक कर लिया गया है। बस आपको 17 तारीख के पहले पहले मैंने बताया है कि जिसका सही है उसका अपडेट हो जाएगा, और जिसका वास्तव में जीरो जीरो पाए हो या आपके आईटीआई वाले ने अब्सेंट किया है, डेटा नहीं भेजा है, वो वैसे रहेगा। लेकिन जिनका है वो 17 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। मैं आपको वो भी डेटा क्लियर कर लिया गया, वो डेटा पकड़ लिया गया है कि क्या कितना जो है तो अपडेट करना है, कितना अपडेट नहीं करना। जो आईटीआई के थ्रू से जो गलतियाँ थीं उसमें कुछ नहीं होगा, और जो डीजीटी के तरफ से गलतियाँ थी, चाहे कुछ भी हो, चाहे निम्मी का हो, चाहे एनपीआईयू का हो, चाहे किसी का भी हो, उसको जो है तो ठीक कर लिया जाएगा। ठीक कर लिया गया है, अब उस पर जो है तो काम चल रहा है। काम चलने के बाद जैसे सर्वर अपडेट करेगा तो 17 तारीख के पहले पहले सबका चीज़ें हो जाएंगी। ये हो गया। दूसरी चीज़, अब जो सप्लीमेंट्री वाले लड़के हैं, जो नए वाले हैं सप्लीमेंट्री, उनका भी डेटा पूरा क्लियर कर लिया गया है। लेफ्ट ओवर वाले जो लड़के हैं उनका भी डेटा क्लियर कर लिया गया है। अब लेफ्ट ओवर वाले में और सप्लीमेंट्री वाले में दो चीज़ें कन्फ्यूजन हो रही थी सॉफ्टवेयर में, उसको क्लियर कर लिया गया है। उसमें एक चीज़ ये थी, आप टेक्निकल चीज़ को समझिएगा तो क्यों लेट हो रहा, क्या है, आपके कह देने से कोई चीज़ नहीं होता। जैसे कई लड़के तो सप्लीमेंट्री आए, मतलब माने फेल है तो फेल है, उनका कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन कई लड़के सप्लीमेंट्री में भी क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए कई लड़के सीबीटी का एग्ज़ाम दिए लेकिन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम उनका नहीं हुआ है, अब्सेंट है। क्यों? आईटीआई वाले ने कर दिया। क्यों? फीस नहीं दिए। एक वो मामला पकड़ में आ गया, वो डेटा पूरा आ गया। एक जस्ट इसका उल्टा हुआ, प्रैक्टिकल लड़के दे पाए, सीबीटी एग्जाम नहीं दे पाए, ठीक है ना, क्योंकि उनका फॉर्म नहीं भरा गया या जो भी कुछ हुआ, और कुछ पोर्टल की भी गलती हुई यहाँ पे डीजीटी का। डीजीटी को इससे मतलब नहीं कि आईटीआई वाले ने फॉर्म भरा या नहीं भरा, उसकी कोई लेना देना नहीं। आईटीआई वाले ने अब्सेंट किया, पास किया, फेल किया, डीजीटी से कोई मतलब नहीं। डीजीटी को अपने से मतलब है जो फॉर्म भरते समय या फीस भरते समय जो दिक्कत हुई टेक्निकल ऑनलाइन उनके सर्वर में, उसको उन्होंने पकड़ लिया, उसको उन्होंने क्लियर कर लिया है, ठीक है। सेम चीज लेफ्ट ओवर वाले में है कि लेफ्ट ओवर वाले में ये चीज देखी जा रही है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, लेफ्ट ओवर वाले जो स्टूडेंट हो, इसकी आपको कहानी नहीं, आपको जो है ना तो बरगलाया जा रहा है, जो अभी बरगलाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अभी आपकी डेट नहीं आई है, अभी आपका कुछ नहीं हुआ है, आपका 15 दिन के अंदर परीक्षा दी जाएगी। कोई कह रहा है 15 सितंबर को हो जाएगी, कोई कह रहा है 17 सितंबर को हो जाएगी, कोई कह रहा है कि फर्स्ट फेस में हो गया, सेकंड फेस में होगा। मैं आपको बताऊं, हकीकत ये है कि जिनका एडमिशन इन लोगों ने लेट लिया, 30 अक्टूबर के बाद लिया, या ये सोचे और मान के चलिए कि आपका अक्टूबर में ही हुआ, अगस्त में हुआ, लेकिन इन्होंने आपकी इंट्री नहीं की, इनको लगा कि माने हम रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ेगी तो अक्टूबर की जगह में नवंबर में कर लेंगे, जैसे बढ़ेगी। वो आईटीआई वाले धोखा खाए हैं और उन पर जो है तो ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। तो उसमें लेफ्ट ओवर में जो बचे हुए हैं, मैंने जिनकी फीस और रजिस्ट्रेशन हो गया है किसी कारण बस, अब आप यहाँ पे समझिएगा कि किसी एलिजिबिलिटी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, किसी कारण बस उनका एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है ना, उनको बेनिफिट मिलेगा, उनका एग्जाम होगा। लेकिन जो फर्जी वाले बोल रहे हैं ना, कि फर्जी वाले जो स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनका आईटीआई वाले ने एडमिशन लिया है, नवंबर में भरी है सीट, दिसंबर में भरे हैं सीट, और उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है पोर्टल पे, सच बताऊं उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है पोर्टल पे, तो क्या करेंगे? क्योंकि वो कोर्ट केस के चक्कर में, जो कोर्ट केस हुआ था दिल्ली में भी हार गए थे, फिर इलाहाबाद में भी उनके हारे के बराबर था, है ना, तो जो लड़के गए थे 50-60 लड़के गए थे, उनका भर का हो रहा था, तो उनका अभी एग्जाम हुआ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है, तो एक तरह से हार ही गए थे। तो इस चक्कर में जो 30 तारीख से लेकर के और दिसंबर तक में जो लड़कों का एडमिशन लेते आए, बल्कि जनवरी फरवरी तक लिए हैं एडमिशन, है ना, वो वाले लड़के ना इधर के रह गए हैं ना उधर के रह गए हैं। इसमें कई आईटीआई वालों ने लड़कों को धोखा दे करके प्रैक्टिकल एग्जाम भी फर्जी करवा लिया गया है ना। तो आप लोग अवेयरनेस होइए, ये सारी चीज़ें
25 तारीख को डीजीटी ने पूरा कर लिया। मैंने बताया था ना कि सबसे पहले डेटा का काम होगा, उनको पहले फिगर आएगा कि कितना एग्जाम करवाना है, किस किस फेस में एग्जाम करवाना है, किस महीने में एग्जाम करवाना है। अब डेटा आ गया, डेटा आने के बाद मेरे को मेरी खांसी नहीं बंद हो रही है, इतनी तबीयत खराब रहती है। मेरे को जो पता हो रहा है कि पहली बीसी हो गई है स्टेट से, दूसरी बीसी होने वाली है 2 या 3 तारीख को होने वाली है, तीसरी बीसी 8 या 9 तारीख को होने वाली है। इन्हीं 3 बीसी के अंदर अंदर किसी भी बीसी, बीसी मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो वो होगा मीटिंग होगी डीजीटी की स्टेट के, उसमें से जो रिव्यू आएगा उसमें जो है तो निर्धारित कर देंगे कि कब कब किसका किसका कहां कहां एग्जाम किया जाए। एक चीज़ और डीजीटी एग्जाम करवाने के पहले देख रही है कि जो ईडी प्रैक्टिकल वाले जो ओल्ड वाले लड़के फंसे हुए थे ना, जो सेमेस्टर वाले फंसे हुए थे लड़के, जो एनुअल वाले फंसे थे, वो लड़कों का बहुत जिनका डेटा है वो 17 तारीख तक में क्लियर हो जाएगा। तो एक डेटा और निकल करके फिल्टर होकर के आ जाएगा कि इतने लड़के हैं जो ग्रीवांसेस किए थे, लगभग ग्रीवांसेस में थे 7.5 थे, तो करीबन 7,000 के लगभग लड़के ग्रीवांसेस में अटके हुए थे वो लड़के। और एक चीज़ इसमें यह भी बता दूँ कि प्रोफाइल के 4,500 के लगभग लड़के थे, उनका भी जिनका सही डॉक्यूमेंटेशन है उनका अप्रूवल हो जाएगा 17 तारीख तक। जो बचेंगे ना तो फिर आप अब लोग भगवान ही मालिक है कि अब फिर या तो आपको प्रोफाइल वाले क्या होगा, अब वो देखना पड़ेगा, उस पर मैं नहीं ज़्यादा बता सकता हूँ। लेकिन ग्रीवांसेस जिसका 17 तारीख तक क्लियर नहीं होगा वो अपने आप को सीधे ये चीज़ में डाल लेंगे कि अब हम सप्लीमेंट्री एग्जाम करेंगे और एग्जाम की तैयारी करें। मैं अभी भी बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे विश्वास मत करिए कि रिजल्ट आपका अपडेट सही निकल आएगा, क्योंकि उसके पीछे की जो कहानी है मैं समझ रहा हूँ, है ना। अब आपको मैं बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। देखिए बहुत सारे आईटीआई वाले ने डेटा के साथ छेड़खानी की है। लड़का पहले 16 नंबर पाया था, फिर उसको वहाँ जा करके 17 नंबर करवा दिया गया। नोडल ने तो आपको बोल दिया कि बाबू आपका 17 नंबर 18 नंबर 20 नंबर 24 नंबर पाए हो, लेकिन स्टेट ने उसको अप्रूवल इसलिए नहीं किया कि जो पहले का डेटा था उस डेटा को, समझ गए ना, वेरीफाई नहीं हुआ, वो चीज़ जा करके स्टेट में अटकी है और फिर वो चीज़ जा करके डीजीटी में अटकी है। तो ऐसे लड़कों से बोल रहा हूँ कि जो सोच रहे हो कि बहते गंगा में मैं हाथ धो लूँ, तो नहीं धो पाओगे। अब ये डीजीटी है, नई डीजीटी है, नई टीम है, नई तरह से काम कर रही है, और अब वो उसको ये लग रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ बता दूं कि जो आईटीआई लगने लगी है तो उनसे और पीजी पोर्टल पे शिकायत होने लगी है, तो उनके अंदर अभी डर बैठ गया है कि लड़के जो है तो डेटा निकालेंगे तो प्योर डेटा निकल आएगा। इसीलिए पीजी पोर्टल पे मैंने शिकायत करवाने के पहले आप लोगों को बता दिया था कि पीजी पोर्टल पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, उसमें जब लिखा आ जाता है कि आपके स्टेट ने या नोडल ने आईटीआई ने नहीं चढ़ाया है तो आप लोग समझ लीजिए कि जब वो नहीं चढ़ाएं तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अभी कुछ डेटा को सोमवार से डीजीटी जो है तो स्टेट से मंगवाना चालू कर दी है, डायरेक्ट नोडल से नहीं मंगवा रही है, और स्टेट वाले जो है तो नोडल से उसको अपडेट करवाएंगे और अप्रूवल करवाएंगे, जो करे जैसा करे वो उनके ऊपर है, स्टेट के ऊपर है। लेकिन ये 17 तारीख तक ही सारी चीज़ों को क्लियर करना है, क्योंकि 17 तारीख को दीक्षांत समारोह है, तो दीक्षांत समारोह के पहले पहले चाह रहे हैं कि बहुत सारे लड़के के, चाहे पुराने हों चाहे नए लड़के हों, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। और ये सर्टिफिकेट आपको आईटीआई के द्वारा ही मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा, चाहे आपकी कोई नौकरी हो चाहे आपकी कोई वैकेंसी हो। और एक चीज़ और बोल रहा हूँ, आप इसी में सुन लीजिएगा कि कई लड़के जो अभी 2023 वाले हैं उनका प्रैक्टिकल में नंबर कम है लेकिन वो पास हैं, तो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल छेड़खानी ना करिए। सीबीटी में पास हैं लेकिन उनको लग रहा है कि सर हमको नंबर कम मिला है, हमको और नंबर ज़्यादा मिलना चाहिए, बिल्कुल भी छेड़खानी ना करिए, चुपचाप शांति के साथ निकल जाइए। ऐसे ही उसमें हो रहा है एम्प्लॉयमेंट स्किल में, अगर आप पास हो तो फिर आप किसी भी हालत में ग्रीवांसेस मत डालिए,
किसी भी हालत में शिकायत मत करिए, जो मिला है उसको आप स्वीकार कर लीजिए। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि पुराने लड़कों से पूछ लेना कि पास लड़के फेल हो गए थे और फेल लड़के पास हो गए थे और आज तक वो नासूर बना हुआ है, नहीं निकल रहा है, मैं आपको बता दूं। तो आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको मैं अवेयरनेस कर रहा हूं और आपको एक एक चीज बता दे रहा हूं कि 25 तारीख को सारा डेटाओं को मर्ज कर लिया गया है, कुछ ही चीजें बची हुई हैं और उनका ये टारगेट है कि 10 सितंबर के पहले पहले हमको सारी चीजें कर लेनी है, क्योंकि रिजल्ट उनको अपडेट करके मार्गशीट का काम जो चालू किए हैं वो मार्गशीट देना है 2023 वाले जो लड़के एग्जाम दिए हैं, जो अभी जुलाई वाले लड़के दिए हैं। तो ठीक है, इसी अपडेशन में पुराने लड़कों का भी होगा, नए लड़कों का भी होगा, सारे लड़कों का होगा। आपको 17 तारीख तक आपको वेट करना होगा और आपको बोल दूँ कि भैया 17 तारीख तक आपको इंतज़ार करने के अलावा कोई चीज़ कोई वो नहीं है। आप अब कमेंट करिए या कमेंट ना करिए वो आपके ऊपर है, न्यूज आएगी, आपे भर की न्यूज नहीं आएगी। जैसा आप जानते हो कि कल न्यूज ITI की आई थी, ऐसे उनके और भी आएंगे, ऐसे एडमिशन के भी आएंगे, ऐसे अगर जो भी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी वो सारी चीज़ें आएंगी। देखना ना देखना, शेयर करना ना शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना सब्सक्राइब करना, ये आपके ऊपर है। कमेंट करना ना कमेंट करना, ये आपके ऊपर है। हमारा जो काम है वो हम अपना काम कर दिए। तो आज हमारे माने सोमवार को बोल रहा हूँ, आज हमारा जो है तो मेन फैसले का दिन है कि हम आपकी बात को जो है तो बड़े सबूत के साथ रखेंगे, और जिसका सबूत हमको ने लड़कों ने दिया है और उस सबूत को मैंने अपने शो पे जानबूझ करके नहीं दिखाया हूँ, बड़े बड़े सबूत हैं, वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए उस पे DGT क्या संज्ञान लेती है, क्या एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई करती है, ठीक है ना। तो आज तक के लिए इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक शो को देखिए, लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसे आपका जी करे वैसा करिए। आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT, ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।